हाई एवरी वन होप यू डूइंग वेल टूडेज वीडियो विल बी अर यूट्यूबर फ्री स्ट्रैटेजी सीरीज वेर बी टेस्ट स्ट्रैटेजीज प्रोवाइडेड बाई येवरेट यूट्यूबर्स एंड बैक टच द्रैटीज एंड कैलकुलेट द रियल विंड सो इन दिस वीडियो वी एस एन नदर स्ट्रैटी क्रेडिट फॉर द स्ट्रैटी गोज टू अभिषेक कर हु एज अ यूट्यूब चैनल विद ओवर सिक्स फिफ्टी के सब्सक्राइबर्स आप उनका चैनल देख सकते हो स्क्रीन पे बाई द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग हमारे भी चैनल पे बहुत जल्दी 17.5 के होने वाले हैं सो so, अगर आप में से कोई है जिसने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारा कंटेंट भी अच्छा लग रहा है तो भाई जल्दी सब्सक्राइब कर दो यार किसका वेट कर रहे हो सो so, हमने कुछ टाइम पहले अभिषेक कर की स्ट्रैटेजी डाली थी पर अनफॉर्चुनेटली मैंने उसमें कुछ गलती कर दिया था बट स्ट्रैटेजी काफ़ी प्रॉफिटेबल हो गई थी उसमें मैंने आपको बोला भी था उस वीडियो में कि मैं जल्दी ही उसका ओरिजिनल वीडियो लाऊंगा सो so, इसके लिए ये रहा आपके लिए वो उसका ओरिजिनल वीडियो सो इन दिस वीडियो वी विल सी इन अनदर स्ट्रेटेजी विच वी आर कॉलिंग पिवेट पॉइंट्स प्लस ट्वेंटी मूविंग एवरेज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी स्क्रीन पे आपको वीडियो दिख रहा होगा उनका नाम से ही आपको समझ रहा है ये बेसिकली टू इंडिकेटर सेटअप है जिसमें हम पिवेट पॉइंट और ट्वेंटी मूविंग एवरेज दोनों यूज़ करेंगे उन्होंने अपने वीडियो में तो बॉलिजर बैंड यूज़ किया है और उसका मिडल लाइन यूज किया है बट बॉलिनजर बैंड का जो मिडल लाइन होता है ना वो एक मूविंग एवरेज होता है और उसका जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो ट्वेंटी मूविंग एवरेज होता है आपको देखिए ना स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा इसलिए हम बॉलिंजर बैंड की जगह पर सिंपल ट्वेंटी मूविंग एवरेज ही यूज़ करेंगे इस सेटअप में और ये स्ट्रेटेजी उन्होंने भी ये भी बोला था कि आप निफ्टी में ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग या फ्यूचर्स के लिए किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हो सो so, हम इसको फ्यूचर्स के लिए ही टेस्ट करेंगे अभी ऑन निफ्टी तो इंट्रो के एकदम तो स्ट्रेटजी पे चलते हैं जहाँ हम पिवेट पॉइंट प्लस ट्वेंटी मूविंग एवरेज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी प्रोवाइडेड बाय अभिषेक कर को टोटल हंड्रेड टाइम्स टेस्ट करेंगे और चेक करेंगे कि कैसे काम करता है सो हाई एवरी दिस इज प्रणीत फ्रॉम ट्रेडर इन लेट्स स्टार्ट द वीडियो चलिए अब ट्रेडिंग भी ओपन करेंगे अब निफ्टी प्लॉट करेंगे सिंपली इधर ऊपर लेफ्ट साइड में क्लिक करो अब निफ्टी सर्च करो तो आपको ये निफ्टी दिख जाएगा इसको ऐड कर दो अब टाइम फ्रेम को हम 15 मिनट्स कर देंगे इसके बाद हम ऊपर इंडिकेटर्स पे क्लिक करेंगे और पीवेट पॉइंट स्टैंडर्ड सर्च करेंगे तो ये बिल्टिन वाला आ जाएगा इसे ऐड कर देंगे अब इसके सेटिंग्स में जाएंगे और पीवेड बैक्स को 300 कर देंगे और फिर पीवेट के लेवल्स को छोड़ के है ना बाकी सब लेवल अनटिक करेंगे और ओके okay कर देंगे अब वापस ऊपर इंडिकेटर में क्लिक करेंगे और मूविंग एवरेज ऐड करेंगे अभी इसके भी हम सेटिंग्स में जाएंगे और लेंथ को ट्वेंटी कर देंगे और इसका भी थिकनेस बढ़ा देंगे और ओके okay कर देंगे लो हो गया सेटअप रेडी चलिए रूल्स फॉर बाय एंट्री दिखते अब इसमें भी जैसे लास्ट वीडियो में मैंने था इसमें टू केस है ट्रिगर कैंडल खिले केस वन कैंडल्स क्लोज प्राइज शुड बी अबाउ पिवेट पॉइंट फिर अ ग्रीन कैंडल शुड क्रॉस एंड क्लोज अबाउट ट्वेंटी एम ए यहाँ देखिए यह कैंडल ऑलरेडी पिवेट लेवल के ऊपर है और जस्ट यहाँ पर उसने ट्वेंटी मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है और क्लोजिंग ऊपर दिया है सो so, ये केस के लिए ट्रिगर कैंडल ये बन जाएगा चलिए अब केस टू भी देखते हैं यह देखिए क्लोज प्राइस शुड बी अबाउट ट्वेंटी मूविंग एवरेज फिर कैंडल क्रॉसेज अबाउ द पिवेट लेवल तो जैसे आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हो यहाँ पर ये वाला ट्रिगर कैंडल बन जाएगा दोनों में बाकी सब चीज़ें सेम ही रहेगा सो फर्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं यहाँ देखिए एंट्री वुड बी एट द क्लोज ऑफ द ट्रिगर कैंडल स्टॉप लॉस बिलो द लो ऑफ द ट्रिगर कैंडल और बिलो द ट्वेंटी मूविंग एवरेज विच एवर इज़ लोअर और टारगेट टू टाइम्स द रिस्क सो जैसे आप देख सकते हो ये एग्जाम्पल विन था चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं पहले केस टू ही देख लेते हैं ना यह देखिए यहाँ पर कैंडल का क्लोज ट्वेंटी मूविंग एवरेज के ऊपर है और पीवेट के ऊपर भी क्लोजिंग दिया है सो so हम इसके क्लोज पे एंट्री ले लेंगे स्टॉप लॉस कैंडल का लो या फिर ट्वेंटी मूविंग एवरेज जो भी सबसे नीचे रहेगा उसके नीचे रखेंगे और टारगेट टू टाइम्स द रिस्क यहाँ प्राइस डे एंड तक गया है बट अपना टारगेट ईट नहीं हुआ है बट नो प्रॉब्लम पॉजिटिव साइड ही क्लोज़ हुआ है so सो हमारे लिए पार्शियल प्रॉफिट हुआ ये सो दिस एग्जांपल वाज अ विन चलिए और एग्जांपल देखते हैं ये देखिए यह कैंडल पीवेट लेवल के ऊपर है और एक ग्रीन कैंडल बना है जो जस्ट ट्वेंटी मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया है सो ये हमारे लिए ट्रिगर कैंडल बन जाएगा अब इसके क्लोज पे हम एंट्री लेंगे स्टॉप लॉस कैंडल का लो रखेंगे और टारगेट टू टाइम्स द रिस्क बट अनफॉर्चुनेटली दिस एग्जाम्पल वॉज अ लॉस कोई बात नहीं यार लॉस और विन इज पार्ट ऑफ द गेम आई होप आपको बाय रूल्स क्लियर है चलिए सेल रूल्स भी देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू गिव आउट टू चैट प्राइम आर टूडेज वीडियो स्पॉन्सर जिनको नहीं पता चैट प्राइम इज़ अ कस्टमर इंडिकेटर सर्विस ये बाकी इंडिकेटर सर्विस जैसे आपको सिर्फ बाई सेल के टिप्स नहीं देते इनका गोल उन ट्रेडर्स पे फोकस है जो अपने ट्रेडिंग करें करें में सीरियस है और इनके टूल को एज अ बाय और सेल की तरह यूज़ ना करें इनको अपने एनालिसिस में यूज़ करें ये आपको टोटल फाइव इंडिकेटर्स प्रोवाइड करते हैं विच हैज़ मोर देन ट्वेंटी डिफरेंट कन्फ्लुएंस पॉइंट जो आप अपने एनालिसिस में यूज़ कर सकते हो जैसा उनमें से एक ये है जिसका नाम है डायनामिक रिएक्टर ये आपको मार्केट और एक्ल के अंदर मिल जाएगा इसको आप मूविंग एवरेज का बढ़ावा ही मान सकते हो आप में से बहुत लोग होंगे जो 100 मूविंग एवरेज या फिर 200 मूविंग एवरेज को यूज़ करते होंगे फॉर एन इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल देखने के लिए सो so, जब मैं चार्ट में ऐड करता हूँ ना देखो ये दोनों के मुकाबले कितना बेटर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखा रहा है यहाँ देखो ना जब ये प्राइस वॉन्टेड मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे गया तो आप आपको यहाँ तक फॉल मिला राइट बट अगर आपने ये डायनामिक रिएक्टर देखा होता तो आपको अर्ली एंट्री मिल गया होता और इतना बड़ा टारगेट मिल गया होता अब ये एग्जैक्टली क्या करता है कैसा है मुझे नहीं पता बट फ्रॉम माई ऑब्जर्वेशन ये दोनों लाइन का एवरेज नहीं है एग्जैक्टली बट मैंने ये नोटिस किया है कि ये दोनों लाइन के रेंज में मूव करता है और जब भी ये दोनों मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर होता है जिसे डेथ क्रॉस भी बोला जाता है यहाँ पर ये मूविंग एवरेज है ना उसके उधर ही मूव करता है अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो मैं चार्ट प्राइम का यूट्यूब का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ऑब्वियसली दिस इज नॉट फॉर एवरी और मैं आपको गारंटी भी नहीं दे सकता कि आपको हमेशा पैसा बना के देगा बट वॉट आई कुड सजेस्ट इज कि हम लोग ट्रेडर्स है राइट right? तो हम प्रोबेबिलिटी पर विश्वास करते हैं सो so, आई वुड सजेस्ट टू टेक देयर वन मंथ सब्सक्रिप्शन एंड ट्राई आउट देयर प्रोडक्ट और जितना एक्सपेरिमेंटेशन या बैक टेस्टिंग करना है कर लो ना सही लगा तो ही कंटिन्यू करो वरना मत करो कौन फोर्स करता है मेरा कोड यूज़ करोगे तो आपको फोर्टी परसेंट तक ऑफ मिल जाएगा उनके प्रोडक्ट पर ये भी बाय रूल्स के एग्जैक्टली exactly अपोजिट है इसमें भी आपको दोनों में से कोई भी एक केस सेटिस्फाई हुआ ना तो आपका ट्रिगर कैंडल वो बन जाएगा जैसे केस वन कैंडल क्लोज प्राइस शुड बी बिलो पिवेट पॉइंट फिर रेड कैंडल शुड फॉर्म क्लोजिंग बिलो ट्वेंटी मूविंग एवरेज सो यहाँ पर देखिए ये वाला ट्रिगर कैंडल बन जाएगा अभी चलिए केस टू देख लेते हैं जैसे यहाँ देखिए कैंडल क्लोज प्राइस शुड बी बिलो ट्वेंटी मूविंग एवरेज फिर अ रेड कैंडल शुड क्रॉस एंड क्लोज बिलो पिवेट लेवल तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ये भी हमारे लिए ट्रिगर कैंडल बन जाएगा दोनों कंडीशन में आगे के क्राइटेरिया सब सेम है सो so, फर्स्ट वाले में देख लेते हैं एंट्री वुड बी क्लोज ऑफ द ट्रिगर कैंडल स्टॉप लॉज वुड बी अबाउ दी हाई ऑफ द ट्रिगर कैंडल और अबाउ ट्वेंटी मूविंग एवरेज विच एवर इज हायर और टारगेट टू टाइम्स द रिस्क जैसे आप देख सकते हो ये एग्जाम्पल विन था चलिए अब केस टू वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं यह देखिए यह कैंडल का क्लोज ट्वेंटी मूविंग एवरेज के नीचे है और पीव एड के नीचे क्लोजिंग भी है सो so, यह हमारे लिए ट्रिगर कैंडल बन जाएगा सो so, हम इसके क्लोज पर एंट्री ले लेंगे स्टॉप लॉस कैंडल का हाई या फिर ट्वेंटी मूविंग एवरेज जो भी ऊपर रहेगा वो रखेंगे और टारगेट टू टाइम्स द रिस्क सो so, ये एग्जाम्पल विभिन था चलिए आई होप हाँ, आपको स्ट्रैटेजी क्लियर है मैं जानबूझ के इतने सारे एग्जाम्पल कवर कर रहा हूँ ताकि आपको सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो आप उनका वीडियो भी जरूर देखिए अगर आपको स्ट्रैटेजी के बारे में और जानना है तो तो इस चर्जी को हम टोटल हंड्रेड टाइम्स सेस करेंगे और इसका असली मिनट चेक करेंगे आई एल लेट यू नो द फुल रिजल्ट आफ्टर द टेस्ट चलिए रिजल्ट देखते हैं सो द टेस्ट आर ओअर जैसे आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड वाज़ 100 उसमें से 53 आर विन एंड 47 वाज़ लॉस सो विन रेट हुआ 53 परसेंट टोटल गेन इन एन अकाउंट वॉज 62.13 परसेंट एंड मैक्स ड्रॉडाउन इज माइनस फोर पॉइंट फाइव सिक्स परसेंट विन इन अज एट एंड कंटिन्यूस लूज इन रो इज फोर टोटल ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट वॉज फाइव पॉइंट सो राइट ऑफ द आप देख सकते हो स्ट्रेटेजी लास्ट रिजल्ट से बेटर परफॉर्म करती है दैट इज सिक्सटी टू पॉइंट वन थ्री परसेंट गेन विद मैक्स रॉडाउन जस्ट माइनस फोर पॉइंट फाइव सिक्स परसेंट इन फाइव पॉइंट नाइन एट थ्री मंथ इज क्वाइट गुड थोड़ा ऑकरेंस बढ़ गया लास्ट स्ट्रैटेजी से बट रिजल्ट आर वेट इम्प्रेसिव स्ट्रैटेजी भी काफी सिंपल है जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था ये आई ओवरऑल लाइक द स्ट्रैटेजी कूडोज टू अभिषेक कर फॉर शेयरिंग दिस स्ट्रैटेजी एज ऑलवेज जैसे मैं आपको बोलता हूँ सीधा मेरी बात या किसी की बात आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है हर को आपको पहले खुद टेस्ट करना है और फिर रिसर्च करने की स्ट्रेटेजी कैसे काम करता है सो आई एट द स्ट्रेटेजी इन द गूगल शीट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड दिस टेक्स द फिफ्थ पोजिशन इन द इंडक्स लिस्ट वाह बहुत टाइम बाद इतना ऊपर कोई स्ट्रैटेजी गया यू कैन चेक द लिस्ट एंड रिव्यू और यू वॉच एनीज स्पेफिक लाइक सो गाइज इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सपोर्ट एज बाइस्क्राइबिंग टू द चैनल एंड इंडिंग द बेल नोटिफिकेशन एंड डू लाइक द वीडियो एंड शेयर दीडियो अगर हमको सपोर्ट करना चाहते हो तो यू पी आपके स्क्रीन पर होगा मेक श्योर टू चेकआउट चार्टाइम फ्रॉम बिलो डिस्क्रिप्शन लिंक मेरा कोड यूज़ करोगे तो आपको फोर्टी परसेंट तक ऑफ मिल जाएगा उनके प्रोडक्ट पे और अगर आपके पास डिमेट अकाउंट नहीं है तो मैं जीरोदा का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और अगर आपको ये वाली बैक टेस्टिंग शीट चाहिए तो मैंने इसे ऑलरेडी मेरे चैनल पर शेयर किया है आपको एक वीडियो सजेस्ट हो रहा रहेगा आप वो जरूर चेकआउट करना प्लीज़ कमेंट में आपके फीडबैक दीजिए और कौन सी स्ट्रेटेजी आप चाहते कि हम बैक टेस्ट करें अपने फ्यूचर वीडियोज़ में ये भी ज़रूर बताना आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट देख सकते हो और दूसरे जडेज के वीडियोज भी देख सकते हो ऑल द सोशल मीडिया लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन प्लीज फॉलो एंड शो एर सपोर्ट मोर ऑसम कंटेंट्स आर ऑन वे। सो सी यू नेक्स्ट टाइम